बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बेहतरीन से ये चीज़ी ब्रेड रोल्स बनाएंगे, बेहतरीन से पोटैटो में हमने बनाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के फिलिंग कर सकते हैं, श्रेडेड चिकन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का मीट आपके पास है तो आप इसमें जो है उसकी रिफिलिंग कर सकते हैं। बनाना बेहद ईजी आसान है। आइए चल के देखते हैं, बनाते हैं आज की तो रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे लिया है ऑयल। पोटैटो को हम जो है वो फ्राइड सीजनिंग देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर चॉप्ड गार्लिक है, ठीक है जी, पेपरिका पाउडर मैंने लिया है, और ज़ीरा है मेरे पास, साबित ज़ीरा है, ज़ीरा का पाउडर है, कटाई का पाउडर है, और वाइट पेपर पाउडर है, चिकन का पाउडर है, चॉप्ड जो है वो ग्रीन चिलीज़ है, ठीक है जी, नमक हसब जायका, और धनिया खुश्क कुटा हुआ धनिया है जी, वो मैंने शामिल कर लिया है। और अच्छी तरह से एक दो मिनट तक हल्का सा सॉटे कर लेने के बाद जो है अब मैंने इसमें शामिल किए हैं बॉयल्ड पोटैटो, मैश्ड बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं, ठीक है जी। वो अच्छी तरह से इसमें मिला के एक दो मिनट तक हल्का सा हमने टॉसन करना है स्पाइसिस के साथ। अब इसको जो है फिलिंग करने से पहले कर लेते हैं ठंडा, के स्लाइसिस लेके उसके साइड्स अच्छी तरह से रिमूव कर लेने हैं, रोलर की मदद से हल्का सा फ्लैट कर लें ब्रेड स्लाइस को। तो इजी सी फिलिंग है, बेहतरीन तरीके से हो जाती है। ब्रेड के स्लाइस के तमाम साइड्स को अच्छी तरह से जो है वो पानी से हल्का सा जो है वो कर लेना है गीला, ठीक है जी। और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के जो है वो बहुत सारा लेके, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन मुनासिब लेके फिलिंग, और उसमें दरमियान में मैंने एक चीज़ का स्लाइस रख दिया है, ठीक है जी, दैट इज़ मोज़रेला चीज़। और अच्छी तरह से फिल करना है पानी की, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर लगा के अच्छी तरह से रोल बना के, और उसके बाद रख लेते हैं साइड पे। देखिए स्लरी भी बना सकते हैं लेकिन बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए मैंने उसको डिप किया है पहले रोल्स को एग में, और उसके बाद मैं पैन को ब्रेड क्रम्स में मैं उसमें कोट कर लूँगा। मुझसे ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था तो पहले वाला जो है थोड़ा सा जल्दी ब्राउन हो गया था, ठीक है जी। मीडियम फ्लेम रखी ताकि आपके ब्रेड रोल्स अच्छी तरह से जो है वो बेहतरीन से पक जाएं, और जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बाहर से जले नहीं। तो बेहतरीन से हल्की फ्लेम पे फ्राई कर लें तमाम साइडों से, तमाम ब्रेड रोल्स को। माशाल्लाह से हमारा ये अफ्तार स्नैक्स रेडी हो चुका है, इवनिंग स्नैक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको दिखा देते हैं चीज़ ऊज आउट होना, ठीक है जी। बेहतरीन सा एक श्रेड बन गया है मोज़रेला चीज़ का। आई होप सो कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आ चुकी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक लाजमी जो है हमें दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।